अभी अभी तो स्वरा और रागिनी के घर आए थे कुछ नकाबपोश, और लीजिए अब लगता है यही नकाबपोश प्रज्ञा और अभी के पीछे पड़ गए हैं। शहर की सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप पर आए हैं तनु और अभी शादी के लिए मंगलसूत्र खरीदने। इस दुकान में पहुंच गए हैं अचानक से नकाबपोश लुटेरे, यानी कि यहाँ पर ये नकाबपोश आए हैं चोरी करने के इरादे से, और देखिए आते ही अभी के सर पर बंदूक तान दी। लगता है इन लुटेरों को पता चल गया है कि इस ज्वेलर शॉप वाले के पास अभी अभी ताजी ताजी नोट आई है, तभी तो पैसों के साथ साथ ये आ गए हैं गहने भी लूटने। हाँ, मुसीबत तो बहुत बड़ी है, क्योंकि हम लोग अच्छे से शॉपिंग करने आए थे, मेरी शादी की मंगलसूत्र लेने आए थे, और इतने में यहाँ पे गूंस आ गए, दुकान लूटने आ गए। तो आई थिंक इनको ज्वेलरी शॉप लूट के चले जाना चाहिए था, पर हम फंस गए उसके बीच में, थोड़े से डरे हुए। प्रज्ञा, अब आप फोन पे किससे मदद मांग रही हैं ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ एक सलाह जरूर दे सकते हैं, कम से कम आपको इतनी चतुराई तो दिखानी चाहिए थी, पुलिस वाले को ही फोन कर देती। मैंने फोन तो कर दिया है, अब पता नहीं अभी पे भारी पड़ेगी या हमारी मदद हो जाएगी उस फोन कॉल से, अभी कुछ बता नहीं सकते, पर मैंने अपने तरफ से कोशिश कर दी। और वही तीसरी ओर खुरापाती दिमाग वाली तनु बैंक रॉबरी करने वाले लुटेरे से जरा देखिए कैसे चुगलियां कर रही है प्रज्ञा की। अब इतना अच्छा मौका हाथ में आया है तो इसे कैसे जाने दूं। तो जब मैंने देखा कि प्रज्ञा फोन पे बात कर रही है तो चलो फायदा उठा दूं। तो मैंने गूंज को बोला कि अरे वो लड़की बात कर रही है, सब मर जाएंगे, उसको हटाओ ऐसे। हाँ, वो चाहती है कि मैं उसके रास्ते से हट जाऊं, तो उसे मौका मिल गया कि वो अगर गुंडे मुझे मार दें तो मैं रास्ते से हट जाऊंगी। वैसे नकाब वाले भाई साहब, अगर आप तनु की चुगलियां सुनते रह गए ना, तो यकीन मानिए इस दुकान से एक फूटी कौड़ी भी नहीं ले जा पाएंगे। देख लेना, ये प्रज्ञा बड़ी सयानी है, आपको ऐसे ही नहीं जाने देगी। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ ABP News Report।